हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपरलिपिडेमिया कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है। इससे पहले हमने अपने पिछले दो लेक्चर्स किए थे, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर किया था। पार्ट 1 में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही साथ उसमें हमने हाइपरटेंशन के बारे में भी पढ़ा था। और पार्ट 2 में हमने कवर किया था एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन की एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, क्या क्या उसके कॉज या डायग्नोसिस ट्रीटमेंट होते हैं। इसीलिए आगे चलने से पहले अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप अभी जाकर चैनल पर हमारे पे उसको देख सकते हैं और उसके बाद अपना ये पार्ट 3 कंटिन्यू कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो कि हमारा जो टॉपिक है हाइपरलिपिडेमिया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फार्मेसी इंडिया लाइव पर, फार्मेसी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे हमारी एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर पर जाकर आप फार्मेसी इंडिया को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी विजिबल है, इसको आप सेव करने के बाद 9389516306 को आप हमें डीपी इंडिया कैपिटल लेटर में सेंड कर दीजिए, टाइप करके भेज दीजिए, आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचती रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जो कि है हमारा हाइपरलिपिडेमिया। जो हमारी हेडिंग है हाइपरलिपिडेमिया, इसे देख के थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इसको हम ब्रेक करें दो पार्ट्स में तो एक आता है हाइपर और एक हो जाता है हमारा लिपिडेमिया। और लिपिडेमिया को भी अगर हम ब्रेक कर लें तो ये हो जाता है लिपिड, यानी कि जैसे कि हाँ ये हाइपर है और ये हो गया लिपिड। तो हाइपर मींस ज्यादा, हाइपो मींस कम। जब लिपिड्स की अमाउंट हमारे ब्लड में या हमारी बॉडी में ज्यादा होती है उसे हम हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। हाइपरलिपिडेमिया बेसिकली होता क्या है, ये वो कंडीशन होती है जब हमारे ब्लड में फैट्स यानी कि लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल जब एबनॉर्मली ग्रोथ करने लगता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ने लगता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। अब होता क्या है उस कंडीशन में, जब हाइपरलिपिडेमिया वाली कंडीशन बन जाती है, मींस जो फैट्स हैं या कोलेस्ट्रॉल जिसको हम लिपिड्स भी कहते हैं फैट्स को, वो जब अपना डिपोजिशन करने लगते हैं ब्लड के अंदर, तो कंडीशन ऐसी बन जाती है जो हमारी वेसल्स की वॉल होती है यानी कि नसों की जो दीवारें एक तरीके से जो होती है वो पतली होने लगती है या वो बहुत मोटी होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का रिस्ट्रिक्शन होने लगता है, यानी कि ब्लड इजीली पास नहीं हो पाता है उन वेसल्स में से, उन नसों में से। और जब ब्लड ठीक से पास नहीं होगा, ठीक से फ्लो नहीं होगा, तो हार्ट तक पहुंचेगा नहीं और फिर ऐसी संभावनाएं हो जाती हैं कि उस पेशेंट को या उस इंसान को हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का सामना करना पड़े फ्यूचर में आगे जाके। तो यानी कि जब लिपिड्स या फैट्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हमारे ब्लड में ज्यादा बढ़ने लगता है तो हमारी जो नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं, वो जो है कमजोर होने लगती हैं। कमजोर इन द सेंस कि या तो वो पतली होने लगती हैं या वो मोटी होने लगती हैं। किसकी वजह से, जो ये फैट्स वहां स्टोर हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है उन वेसल्स में। और उससे होता क्या है, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, ब्लड ठीक से पास नहीं कर पाता उन वेसल्स में, और हार्ट को ब्लड नॉर्मल अमाउंट में जो चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें आगे जाके फ्यूचर में हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से और देखिए, जो हमारा प्लाज्मा लिपिड्स है, यानी कि प्लाज्मा मींस जो हमारा ब्लड सीरम होता है, हमारी बॉडी में जो सीरम है उसमें जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक लीडिंग रिस्क फैक्टर है किसके लिए, जो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को हम सीवीडीज भी कहते हैं। अब ये सीवीडी डीवीडी नहीं है, सीवीडीज होती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो एक ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, कौन, जो हमारा ये हाइपरलिपिडेमिया है, कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि हमें फ्यूचर में कार्डियोवास्कुलर डिजीज कर सकता है। और इसमें होता क्या है, 1% इंक्रीज हो जाता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो मतलब ब्लड प्रेजेंट है हमारी बॉडी में उसमें जब हाइपरलिपिडेमिया वाली कंडीशन आती है तो 1% ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। और उससे होता क्या है, 1-2% इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ सीएचडी। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल अमाउंट से ऊपर बढ़ने लगता है तो सीएचडी यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज होने लगती है। अब सर ये सीएचडी यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है, सीएचडी इसको हम कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है,
उसमें ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जो हमारे फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं, और साथ ही साथ जब ये डिपॉजिट होने लगते हैं तो प्लाक बन जाता है उसमें। किसमें? जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है। प्लाक क्या होता है? प्लाक एक तरीके से आप ये कह लीजिए उसमें बंद लगने लगता है, ब्लॉकेज होने लगती है हमारी नसों में, जिसकी वजह से ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता, रेस्ट्रिक्शन आ जाता है ब्लड फ्लो में और हार्ट तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंचता और कंडीशन हमारी बन जाती है वही हार्ट अटैक या स्ट्रोक की। तो ये CHD होती है, यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज। अब बात करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी, यानी कि महामारी विज्ञान क्या है, इसका इससे क्या असर पड़ा है वर्ल्ड में, अगर इसके ऊपर रिसर्च की गई है तो क्या प्रभाव पड़ा वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन पे। तो इसमें हुआ ये, हाइपरलिपिडेमिया को बहुत बड़ा मेजर फैक्टर माना गया है। किस चीज के लिए? कि जो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान को या पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस प्रदान कर दे, यानी कि हाइपरलिपिडेमिया एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से आगे जाके फ्यूचर में CVDs का सामना करना पड़ सकता है, इसको फेस करना पड़ सकता है। और CVDs का जब इनके ऊपर पूरी रिसर्च की गई थी तो ये पाया गया था, जो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन थी उसमें जितनी बीमारियां थी उसमें सबसे ज्यादा जो डेथ हुई है उन बीमारियों से 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो इन CVDs से इफेक्टेड थी, स्पेशली हाइपरलिपिडेमिया से इफेक्टेड थी। और ये भी उस वक्त कैलकुलेट किया गया था, ये भी अनुमान लगाया गया था कि 2020 तक जितनी डेथ होंगी या जितनी डिसेबिलिटी होगी किसी किन्हीं भी बीमारियों से लेके, उसमें सबसे ज्यादातर जो पेशेंट सफर करेंगे वो इससे सफर करेंगे, CHD से, कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक से। और यही हुआ, प्रेजेंट में जो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है वो CVD से हो रही है। आपने देखा होगा अमूमन तौर पर हम न्यूज भी देखते रहते हैं, सुनते भी हैं कि एक पर्टिकुलर डांस कर रहा था बंदा या बंदी, जो भी मेल या फीमेल था, डांस करते करते उसे हार्ट अटैक आ गया, वो खत्म हो गया। एक बच्चा है पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते उसे अटैक आ गया, वो उसकी डेथ हो गई। इसी तरीके से जब उस टाइम इसके ऊपर रिसर्च की गई थी, साइंटिस्ट और जो हमारे डॉक्टर्स थे सारे स्पेशलिस्ट, उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो यही अनुमान लगाया था, एक एक्सपेक्ट किया था कि 2020 तक जितनी डेथ होंगी, जितनी डिसेबिलिटी होगी, वो सबसे ज्यादा उसमें CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज की वजह से ही या कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से ही होंगी। उसके बाद अब चलते हैं हम एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मींस कि क्या कारण है, क्या कॉज रहे इस बीमारी को होने के। तो बच्चों दो तरीके से ये बीमारी हो सकती है, यानी कि ये जो हाइपरलिपिडेमिया है इसके दो मेजर फैक्टर हैं या दो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला आता है प्राइमरी और दूसरा आता है सेकेंडरी। अब ये प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी मींस कि जो हमारे जेनेटिक नेचर में होते हैं, यानी कि फैमिलियल इनको कह सकते हैं, कि जो हमें अपने परिवार से जीन्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर टू ग्रैंडफादर टू फादर, फादर टू सन टू ग्रैंडसन, इस तरीके से जो हमारे फोर फादर्स की जीन्स में जो भी अगर ये चीज रही थी तो वो कैरी कर करके अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी तक आ सकती है। दूसरा होता है सेकेंडरी, इसमें होता है कि वो सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारा खान पान कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अब इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं कि प्राइमरी फैक्टर में क्या है और सेकेंडरी फैक्टर में क्या है। मींस कि जो ये कारण है प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर जो सर आपने बताए, तो ये किस वजह से हमें हाइपरलिपिडेमिया का शिकार कर देते हैं या किस वजह से हमें ये हाइपरलिपिडेमिया हो जाता है, ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी फैक्टर्स हैं। तो प्राइमरी फैक्टर्स में बेसिकली ये होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है, या तो सिंगल म्यूटेशन होता है या मल्टीपल म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाती है फैट्स की, लिपिड्स की या कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में, और वो हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी कर जाता है अगर ये जीन्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी की, यानी कि सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया। तो सेकेंडरी हाइपरलिपिडेमिया में बेसिकली ये होता है, जो हमारी डायट्री इनटेक होती है, डायट्री इनटेक मींस जो हम खान पान लेते हैं, और उसके अंदर सबसे ज्यादातर जो होता है, जो हमारा टोटल कैलोरीज हम लेते हैं, स्पेशली जो हम ऑयली फूड खाते हैं, तला भुना ज्यादा जो खाते हैं हम, वो वेरी कर जाता है हमारे हाइपरलिपिडेमिया कंडीशन को करने में। जब हम ज्यादा पीनट्स खाते हैं, हम ज्यादा सनफ्लावर ऑयल लेते हैं या मस्टर्ड ऑयल होता है,
और जब हम ऑयल्स का सेवन ज्यादा करते हैं, नट्स का सेवन ज्यादा करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो हमारे ब्लड में स्टोर होने लगता है और फैट्स और लिपिड्स भी स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से CHD की प्रॉब्लम हमें हो सकती है, यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज। और हार्ट पे अगर जब ब्लड ठीक से नहीं पहुंचेगा तो फ्यूचर में हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट करते हैं कि सर आपने प्राइमरी सेकेंडरी के साथ एक अदर टर्म यूज की थी, जिसको क्या था आपने, कि अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अदर फैक्टर्स जरूर होते हैं, उसमें आता है हमारा कि डिसलिपिडेमिया इंक्लूड हो जाता है, जिसमें हमारी डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, या हम जब एल्कोहल का ज्यादा यूज करने लगते हैं, ओवर यूज होने लगता है हमारा एल्कोहल का। सर अब ये डिसलिपिडेमिया क्या होती है? डिसलिपिडेमिया मीन्स कि जब हमारी एबनॉर्मल हाई लेवल बढ़ने लगता है फैट्स का, लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का ब्लड में, उस कंडीशन को हम डिसलिपिडेमिया कहते हैं। और इजी ही सेम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हल्का फुल्का मिलता जुलता है हाइपरलिपिडेमिया से। इसमें भी क्या होता है, जब ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा हार्ट तक, तो हार्ट के चांसेस बन जाएंगे कि उसकी हार्ट सेल्स जो होती हैं वो ब्लॉक होने लगे, और जिसकी वजह से फ्यूचर में आगे आके हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का सामना करना पड़े। ये थी हमारी एटियोलॉजी, यानी कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, किसी भी पेशेंट को ये डिजीज हो सकती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, जो कि है हाइपरलिपिडेमिया की। तो वैसे तो अमूमन कोई इसका सिम्टम नहीं है, अभी तक एज सच कोई सिम्टम नहीं पता चल पाया है कि क्या सिम्टम है कि भाई इस पेशेंट को या इस इंडिविजुअल इंसान को हाइपरलिपिडेमिया हो रहा है। लेकिन पता कैसे चलता है? पता तो चलता ही है, ऑब्वियस है, लेकिन एज सच कोई सिम्टम नहीं है। जैसे नॉर्मली होता है कि बुखार होता है तो बॉडी बिल्कुल हीटअप करने लगती है, तो ऐसे ही इसके कोई सिम्टम नहीं है कि जैसे कोई नोसिया हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है या डिजीनेस हो रही है एक्सेट्रा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें पता तब चलता है जब पेशेंट डेंजर स्थिति में पहुंच जाता है, बहुत कंडीशन खराब होने लगती है। जब टेस्ट वेस्ट किए जाते हैं तब पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया है, लिपिड प्रोफाइल बहुत ज्यादा चला गया है, तब पता चलता है। और वो ही यहाँ मेंशन है कि जनरली हाइपरलिपिडेमिया डज नॉट हैव एनी ऑब्वियस सिम्टम्स, यानी कि इसके कोई एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते जिससे पता लगाया जा सके कि वो पेशेंट या वो इंडिविजुअल पर्सन इफेक्टेड है हाइपरलिपिडेमिया से या नहीं। लेकिन बट दे आर यूजुअली डिस्कवर्ड ड्यूरिंग रूटीन एग्जामिनेशन और अंटिल इट रीचेस द डेंजर स्टेज ऑफ अ स्ट्रोक और हार्ट अटैक। लेकिन अगर उसके रेगुलर एग्जामिनेशन चलते रहे, मींस पर्टिकुलर टेस्ट चलते रहे लिपिड प्रोफाइल को, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल के, तो तब पता चल सकता है कि हाइपरलिपिडेमिया वाली कंडीशन है या नहीं है। और कब पता चलेगा? जब पेशेंट डेंजर स्टेज में पहुंच जाएगा, कौन सी, या तो उसे हार्ट अटैक आएगा या स्ट्रोक आएगा, तब पता चल पाता है, क्योंकि तब भी टेस्ट ही होते हैं और पता चलता है कि हाइपरलिपिडेमिया से वो पर्सन इफेक्टेड है, उसे हुआ हुआ है ये हाइपरलिपिडेमिया। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है हाइपरलिपिडेमिया में, तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक टर्म होती है हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, या बेसिकली एक नॉर्मल लेके चले जो हमारी नसें होती हैं, वेसल्स होती हैं, उसमें फैट डिपॉजिट होने लगता है, फैट स्टोर होने लगता है, यानी कि लिपिड स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लाक कंडीशन बन जाती है, या तो वो नसें हमारी इतनी कम, इतनी पतली होने लगती है, नैरो होने लगती है, कि जिसकी वजह से ब्लड ठीक से पास नहीं हो पाता, ब्लड ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है हार्ट तक। और जब हार्ट तक ब्लड ठीक से फ्लो नहीं करता है तो कंडीशन हार्ट अटैक की या स्ट्रोक की बन जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हमें फेस करनी पड़ती है, और यही एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है CHD में, यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज में। जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है तो ये एक बड़ा मेजर फैक्टर बन जाता है CHD को फेस करने के लिए, CHD को कॉज करने के लिए। इसी तरीके से इसमें होता यह है कि जो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम लेवल होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेंगे और वो स्टोर होने लगेंगे ब्लड में, तो उसकी वजह से स्पेशली आर्टरीज में, या जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है, और एक तरीके से ये कह रहे जो वेसल्स हमारी नसें हैं, जब उनमें फैट जमा होने लगेगा, यानी एक फैट किसे कहते हैं, मोटापा, एक तरीके से जो हमारे मोटापे की सेल्स, जो फैट सेल्स होती है, वो जो वहां स्टोर होने लगेंगी, तो
तो ब्लड ठीक से सप्लाई थोड़ी होगा। और ये कंडीशन ज्यादातर बनती है जो लोग ओवरवेट होते हैं, ओबेसिटी से जूझ रहे होते हैं, अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, लैक ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज बिल्कुल करते ही नहीं है, उनको इन कंडीशंस का सामना करना पड़ जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होती है। सर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कैड, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो पार्ट टू था, पार्ट टू जिसमें हमने पढ़ा था एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आज इस लेक्चर में भी आया है, इस टॉपिक में भी है कैड, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्या है, इसमें यही कंडीशन बन जाती है एथेरोस्क्लेरोसिस की, यानी कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें फैट स्टोर होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता हार्ट तक। जब हार्ट को ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसमें होगा क्या, जो हार्ट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्लड के थ्रू, वो उसको नहीं मिल पाती और लैक ऑफ सप्लाई हो जाती है ब्लड की, ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता और कंडीशन बन जाती है कि सामने वाला जो वो इंडिविजुअल पर्सन या पेशेंट था उसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक का सामना करना पड़े। तो ये होती है कैड, यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे। इसे हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता क्या है। जो हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है, ब्लड सप्लाई क्यों चाहिए, क्योंकि उसको हार्ट को एक नॉर्मली अपना ऑक्सीजन चाहिए और उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो भी उसके लिए एसेंशियल है, जिसकी वजह से वो पूरे बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट या वेरियस बॉडी पार्ट्स को ब्लड ठीक से सप्लाई कर सके, ब्लड की सप्लाई ठीक से चल सके, इसलिए उसको ये एसेंशियल होते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। लेकिन जब ये कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक कब होंगे, जब ब्लड का फ्लो ही ठीक से नहीं हो पाएगा आर्टरीज में या वेन्स में, तब ये कंडीशन बन जाती है और उस पेशेंट को स्ट्रोक का सामना करना पड़ जाता है या हार्ट अटैक का सामना करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिर जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स हैं, उसमें प्लाक आ जाता है, यानी कि उसमें बंद लग जाता है, नसों में नसें बंद पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड पास नहीं हो पाता और जब ब्लड पास नहीं होगा हार्ट में तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का संभवतः हमें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा इस्केमिक स्ट्रोक, कि इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है। हमने एक IHD पढ़ी थी, इस्केमिक हार्ट डिजीज, तो उसी से संबंधित है कि नेक्स्ट टर्म है हमारी इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में होता क्या है, बेसिकली जो ज्यादातर डेथ होती है इन CHDs में या CVDs में, यानी कि कोरोनरी हार्ट डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, उसमें सबसे मोस्ट टॉप 4 जो कारण होते हैं, टॉप 4 जो रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे पहले चौथे नंबर पे इस्केमिक स्ट्रोक ही आता है। इसमें होता क्या है, ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरीज में, किस वजह से, जब ब्लड क्लॉट हो जाते हैं या वहां पे फैट सेल्स या हमारे कोलेस्ट्रॉल वहां पे स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता। इट मींस कि कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाती है हमारी आर्टरीज में, जिसकी वजह से ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता और पेशेंट को स्ट्रोक का सामना करना पड़ जाता है। तो ये होता है इस्केमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने डायग्नोसिस पे, कि इसका डायग्नोस कैसे करें, कैसे पता चल पाएगा कि सामने वाला जो पेशेंट हमारे पास आया है, डॉक्टर के पास आया है, उसको हाइपरलिपिडेमिया है या नहीं है। सबसे पहले तो हमें उस पेशेंट की एज का पता करना है कि एज क्या है, अगर मेल है और फीमेल है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको एज देखनी है, कि एज अगर 55 से कम है मेन में, यानी कि मेल्स में, और वुमेन में, फीमेल्स में 60 से कम है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हम उनका ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट करेंगे, उनका लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे, उनका टेस्ट कराएंगे कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या लिपिड लेवल कितना है बॉडी में, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपना आगे का टेस्ट या अपना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उस पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली में उसके किसी और को तो ये कंडीशन नहीं है, जिसकी हो सकता है मेबी जीन्स कैरी कर गए हैं उस पेशेंट में भी और उसकी वजह से उनको ये हाइपरलिपिडेमिया वाली कंडीशन हो गई है, तो ये भी हमें दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट उनका सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल देखना है, जो उनके टेस्ट हुआ है, लिपिड प्रोफाइल आई है, वो 190 mg/dl से कम है या नहीं। अगर कम है तो ठीक है, पेशेंट नॉर्मल है, उसको हाइपरलिपिडेमिया नहीं है। अगर 190 से अबव जा रही है तो इट मींस कि उसको स्टार्टिंग हो गई है हाइपरलिपिडेमिया की। जो ये mg/dl है, मींस कि मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, ये हमारे जो ब्लड वॉल्यूम या हमारा जो सीरम होता है उसकी
अकॉर्डिंग यूनिट रखी गई है। तो जो नॉर्मल हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है या लिपिड लेवल होता है वो होता है हमारा 190 mg per dl से हमारा कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो इट मींस कि हम हाइपरलिपिडेमिया के टच में आ गए हैं। और लास्ट हमें ध्यान रखना है जो डिसलिपिडेमिया होता है जिसमें एबनॉर्मल स्टोरेज होने लगती है फैट्स की कोलेस्ट्रॉल की ब्लड में जिसकी वजह से ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं कि हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हैं जिसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, एचडीएल हो गया या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गए, इन सबका हमें टेस्ट कराना होता है तभी पता चल पाता है कि पेशेंट हाइपरलिपिडेमिया का तो शिकार नहीं हो गया, उसको हाइपरलिपिडेमिया तो नहीं हो गया है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम कि ब्लड लिपिड्स प्रोफाइल क्या होते हैं, ब्लड लिपिड प्रोफाइल क्या होगा, उसमें एक टेबल आ जाती है कि नॉर्मल लेवल क्या होगा हमारा लिपिड प्रोफाइल का और अगर बॉर्डर लाइन पे है या हाई लेवल पे है तो उसमें क्या होगा। तो नॉर्मल जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसमें नॉर्मल लेवल होता है हमारा 150 से 200 mg पर डीएल यानी कि 150 टू 200 mg पर डीएल यानी कि मिलीग्राम ऑफ डेसिलीटर। अगर बॉर्डर लाइन पे है तो वो होगा 200 से 239 mg पर डीएल। अगर इस बीच में 200 से 239 के बीच में आ रहा है तो इट मींस कि वो बॉर्डर लाइन पे आ गया है, इट मींस कि उसको हाइपरलिपिडेमिया होना स्टार्ट हो गया है। और हाई लेवल है तो वो 250 से ऊपर चला जाएगा उसका लिपिड प्रोफाइल, अगर ये उससे ऊपर जा रहा है तो इट मींस कि वो उसको बहुत ज्यादा हाइपरलिपिडेमिया हुआ हुआ है। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड्स का टेस्ट होता है, उसमें अगर 150 से कम है 150 तक है उसको तो उसका नॉर्मल लेवल है, और अगर 150 से 199 में जा रहा है ट्राइग्लिसराइड का लेवल तो इट मींस कि उसको स्टार्ट हो गई है हाइपरलिपिडेमिया, और अगर 200 से 499 के बीच में है तो बहुत ज्यादा है उसको, बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी खराब हो गई है। इसी तरीके से एचडीएल है, एलडीएल है और वीएलडीएल है। एचडीएल मींस की हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, एलडीएल लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल या लिपोप्रोटीन्स, ऐसे ही वीएलडीएल होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो उसमें एचडीएल में है 60 mg नॉर्मल होता है और 40 से 60 अगर इसमें इसका लेवल आ रहा है तो इट मींस वो बॉर्डर लाइन पे, अगर 60 से कम जा रहा है 40 से 60 के बीच में है तो बॉर्डर लाइन पे है, और अगर 40 से कम जा रहा है तो इट मींस कि उसको हाई लेवल का हाइपरलिपिडेमिया हो चुका है। ऐसे ही एलडीएल में है अगर 100 mg है तो इट मींस नॉर्मल है, और अगर 130 से 159 के यानी कि 130 to 160 के अराउंड जा रहा है तो इट मींस बॉर्डर लाइन पे है, और अगर 160 से अबव जाता है तो इट मींस हाई लेवल है, उसे अच्छा खासा हाइपरलिपिडेमिया हुआ हुआ है। लास्ट है हमारा वीएलडीएल जिसे हम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, अगर उसका 5 से 32 mg पर डीएल है तो इट मींस नॉर्मल है, और अगर 32 से 40 है तो बॉर्डर लाइन पे है कि स्टार्टिंग हो चुकी है, और अगर अबव 40 जाता है तो इट मींस कि हाई लेवल का उस पेशेंट को या उस इंडिविजुअल पर्सन को हाइपरलिपिडेमिया हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है। पैथोफिजियोलॉजी ये कहती है कि जब हमारी जो वेसल्स होती हैं स्पेशली कोरोनरी आर्टरीज उसमें जब फैट्स या लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल जब उसमें बढ़ने लगता है उसमें स्टोर होने लगता है तो कंडीशन ऐसी बन जाती है ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, और जब ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है उसकी वजह से हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है, उसको नॉर्मल अमाउंट नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, जब ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और उसको जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको नहीं मिल पाते, और जिसकी वजह से फ्यूचर में संभवतः हमें हार्ट अटैक या स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एथेरोस्क्लेरोसिस फ्रीक्वेंटली रिमेन्स एसिम्प्टोमेटिक अंटिल प्लाक स्टेनोसिस रीचेस 70-80% ऑफ द वेसल्स डायमीटर, जो हमारी वेसल्स का डायमीटर होता है उसमें जब तक प्लाक 70-80% नहीं होता तब तक ये कंडीशन में एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं मिलता है कि वो पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर पेशेंट या मरीज जो है उसे हाइपरलिपिडेमिया हुआ हुआ है या नहीं। जब तक नसों में प्लाक यानी कि जो ये फैट्स और लिपिड स्टोर हो जाते हैं 70-80% नसें बंद नहीं होने लगेंगी यानी कि उसमें ब्लॉकेज नहीं होने लगेगी तब तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कोई सिम्टम नहीं होता है, पता नहीं चल पाता है कि हाइपरलिपिडेमिया से उस पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिया हुआ हुआ है या नहीं। नेक्स्ट आता है जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं जिसकी वजह से ये लिपोप्रोटीन्स में कंजिस्ट होते हैं, लिपोप्रोटीन्स में ही कैरियर ओवर हो जाते हैं, उसमें ही तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे
वेसल्स होती हैं हमारी जो नसें होती हैं उसमें ये लिपोप्रोटीन्स और ये सब ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल सब स्टोर होने लगते हैं और कारण ये हो जाता है कि आगे जाके फ्यूचर में वो नसें ब्लॉक होने लगती हैं जस्ट बिकॉज कि ये सब उसमें स्टोर कर गए हैं वहां डिपॉजिट होने लगे हैं जिसकी वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई है और हार्ट की ब्लड सप्लाई रुक गई तो इट मीन्स फ्यूचर में हार्ट अटैक स्ट्रोक को सामना करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन क्या कहता है या कितने टाइप्स के ये होते हैं। उससे पहले जब हमने नॉर्मल रेंज देखी थी कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए तो वहां तीन टर्म्स आई थी। एक आई थी एचडीएल, एक आई थी एलडीएल और लास्ट थी वीएलडीएल। तो ये ही क्लासिफिकेशन है लिपोप्रोटीन्स का। ये होते क्या है वो ही पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला आता है हमारा काइनोमाइक्रोन्स। काइनोमाइक्रोन्स क्या कहता है कि जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं डाइटरी फैट के वो कैरी कर जाते हैं इंटेस्टाइन से लीवर में। बॉडी में जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल रहना चाहिए उसमें मेंटेन कराने के लिए जो डाइटरी फैट होता है यानी कि जो ऑयल प्रेजेंट होना चाहिए बॉडी में उसको ये कैरी करते हैं कहां से इंटेस्टाइन से लीवर में। नेक्स्ट अब बात करते हैं VLDL। आ गया ना बच्चों VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें क्या होता है जो हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो सिंथेसाइज हो चुके होते हैं उनको ये कैरी करते हैं लीवर से टिश्यूज में यानी कि जो लीवर में हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल था वहां से टिश्यूज में जो पहुंचाते हैं वो कौन पहुंचाते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लीवर से टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफर करने के लिए लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स भी काम करते हैं ये भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं लीवर से टिश्यूज में कोलेस्ट्रॉल को ले जाने में ट्राइग्लिसराइड्स को ले जाने में। और लास्ट आता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स यानी कि एचडीएल जिसको हम कहते हैं। इनका काम क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं टिश्यूज से वापस से लीवर में। जो टिश्यूज में जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए था उतना लेने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है वहां से वापस लीवर तक पहुंचाने का काम जो करते हैं वो एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है लिपोप्रोटीन्स का कि लिपोप्रोटीन्स चार पार्ट्स में डिवाइड है चार कैटेगरीज है। पहली काइनोमाइक्रोन, दूसरी हमारी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको वीएलडीएल कहते हैं, नेक्स्ट हमारी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको एलडीएल और लास्ट हमारी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको हम एचडीएल कहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इसका हाइपरलिपिडेमिया में ट्रीटमेंट क्या है। सर आपने सारी चीजें बता दी हैं कि हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है कैसे ये होता है लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए उसका डायग्नोस भी बता दिया और ट्रीटमेंट तो बता दीजिए कि कैसे हम सुधार सकते हैं या कैसे हम हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी। सबसे पहला आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी कि बिना दवाइयों के हम कैसे इसको हाइपरलिपिडेमिया को मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारी जो नॉर्मल एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वो हमें जीना पड़ेगा तभी हम इसको हाइपरलिपिडेमिया को मेंटेन कर सकते हैं। अब हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करें उसमें सबसे पहला आता है हमारा कि जो हम अपना खाना खाते हैं उसमें नमक का सेवन कम करें। हमारा जो सॉल्ट इंटेक है वो कम होना चाहिए। सॉल्ट इंटेक कम होगा तो बेसिकली नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहेगा। नेक्स्ट है जो अगर नॉन वेजिटेरियंस हैं और जो एनिमल फैट्स खा रहे हैं तो वो भी लिमिट अमाउंट में होना चाहिए कि ये नहीं कि कैपेसिटी तो होनी चाहिए सिर्फ थोड़ा बहुत 100 से 200 ग्राम की। ऑन एन एवरेज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण ले लेते हैं अगर 100 से 200 ग्राम की बॉडी को चाहिए आप उसे 100-200 की जगह आप आधा किलो 1 किलो कर रहे हैं तो वो बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो ये इस कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि हम अपना मेंटेन करें वेट को एक हेल्दी वेट मेंटेन करते हुए चलें। ये नहीं है कि अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो उसमें और मेहनत कर रहे हैं हम वेट को बढ़ाने में घटाने में नहीं। अगर वेट आपका नॉर्मली 70-80 kg के बीच में नहीं है नॉर्मल इंसान का और मतलब मेल्स का एक एडल्ट मेल का वेट 70-80 kg के बीच में होना चाहिए और फीमेल्स का 50-60 के बीच में वैरी करता है अगर इससे अबव जा रहा है तो आपको अपना वेट मेंटेन करना चाहिए इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वेट अगर हमारा ओवरवेट हो गया ओबेसिटी हमें हो गई तो कंडीशंस हो जाती हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन ना रहे। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग अगर कोई करता है उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए क्योंकि स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारा मेंटेन नहीं रह सकता या हमें हाइपरलिपिडेमिया का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि हम डेली एक्सरसाइज करें एक्सरसाइज की कमी ना हो यानी कि हम अपनी जो
हमारा फिजिकल वर्कआउट है वो डेली करते रहना चाहिए। अगर हम डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हम फिट एंड फाइन रहेंगे, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट है अल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई करता है तो वो लिमिट अमाउंट में करे, और अगर उसके बावजूद भी टेस्ट कराने के बाद कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो तुरंत हमें अल्कोहल कंजप्शन रोक देना चाहिए। बेसिकली नॉर्मली अल्कोहल तो हमें कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने से शरीर में बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स या डिजीजेस हमें हो जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, यानी कि जहां हमें थेरेपीज या दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे स्टैटिंस। स्टैटिंस में आपका अटोरवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन, फ्लूवास्टाटिन, इस तरीके की टैबलेट्स हो गई, और भी आती हैं जैसे रोसुवास्टाटिन होती है, ऐसे ही नॉन स्टैटिंस आते हैं, नॉन स्टैटिंस भी ले सकते हैं, और फाइब्रेट्स आते हैं जैसे क्लोफाइब्रेट हो गया या गेनफिब्रोजिल हो गया, इस तरीके की और भी फाइब्रेट कैटेगरीज की ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हमारी बाइल एसिड सिक्वेस्टोरेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारा कोलेस्टेरामाइन होता है, कोलेस्ट्रिकॉल होता है या क्लोजिसेवेलम होता है। तो ये ड्रग्स हैं, और भी ड्रग्स हैं जैसे नायासिन आती है या हमारी एजेटिमाइन आती है, और भी ड्रग्स हैं जो आप इसमें हाइपरलिपिडेमिया के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा हाइपरलिपिडेमिया की हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, कैसे हो जाता है, क्या इसकी एपिडेमियोलॉजी एटियोलॉजी होती है, क्या इसका ट्रीटमेंट है नॉन फार्माकोलॉजिकल, कैसे बिना दवाओं के कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, और अगर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है तो दवाइयां कौन कौन सी हम इसमें टैबलेट्स ही मतलब बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरीज की ड्रग्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस लेक्चर में टॉपिक क्लियर हुए होंगे कि क्या हाइपरलिपिडेमिया होता है, कैसे होता है, क्यों हो जाता है, क्या इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट होता है। थैंक यू। इसी तरीके की और मोर अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव।